मेरे रूम से बाहर निकल। शायद तुम भूल गए हो, ये कमरा मेरा भी है। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ भी बैठूं मुझे क्या, जमीन पे बैठ जाओ। और ये क्या, ये कालू पूरे बेड पे बैठा, मैं क्या करूं? मेरा कालू ये ऐसे ही बैठा रहेगा। ऐसे कौन प्रपोज करता है, थोड़ा इज्जत से प्रपोज करो यार। तो सुनिए, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीक अच्छे मंगलाय तनो हरि। तो देवी जी ऑफर ग्रहण करें। करिए। ना कोई है ना कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम मेरा साथ मेरा वो हम। बेटा चश्मा पहन के करोगे? हाँ। अच्छा, सब काला नहीं दिख रहा है? काला नहीं दिख रहा, लेकिन अंधेरा तो दिख रहा है। वो बात तो सही है। तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? ये ना, आजाद होना है, एक पंछियों की तरह उड़ना है खुले आसमान में। और तुम? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारा दिल में रहना है। अरे हम कहां मोहब्बत के दुश्मनों से डरते हैं, कह दिया जमाने से। तुमसे प्यार करते एक सेकंड रुक, तू पबजी खेलती है? ले, मैं तो प्रो प्लेयर हूँ। माँ भाव मिल गई। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती। ऊपर क्या देख रहा है? ऊपर कहाँ देख रहा हूँ, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कब मारा? चल मैं घर जा रही हूँ। तुम मुझे क्यों बता रही है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे? पसंद करते हो? नहीं, तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं। तुम मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सच्ची? नहीं। जवाब तो दे। जा अपने दोस्तों को पार्टी दे दे। बहुत मन करता है यार तुझसे बात करने का, पर जब भी साला तुझे फोन करती हूँ तो आता है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हो वो किसी दूसरे के साथ बिजी है। जिंदगी बेवफा है ये माँ। क्या माल जा रहा भाई? अबे भाई तूने क्यों नहीं देखा? भाई गंदी सोच और गंदी नीयत दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की वही होती है। नो 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 नो। अबे साली पूरा जिला खोल डाली। एक और है। मेरे भाई तक को नहीं छोड़ी। मोहक एक बात बताओ। हाँ बोलो। ब्रेकअप के बाद कौन ज्यादा अफेक्टेड होता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। वो क्यों? पता है लड़कियाँ किससे प्यार करती है ना, तो दिल से करती हैं, दिमाग से नहीं। और ब्रेकअप के बाद ना वो दुनिया को तो ऐसा दिखाती है कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर से ना टूट जाती है।
उनका दिमाग तो कहता है कि वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन दिल है ना, दिल नहीं मानता उनका। दिल कहता है कि वो आज भी लौट के आएगा। तुम तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी। लोग कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश 15 साल पीछे चला जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं भी मुझे खोने से वो क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। यार तुम लड़कियों की ये प्रॉब्लम क्या है यार? क्या मतलब बॉयफ्रेंड बनाने की सबको जा के बताया ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया, मतलब मेरी भी 5-6 गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं आज तक जाके नहीं के सुना है कि वो मुझसे दूर जाकर बरसों बाद मुस्कुराएगी। कि सुना है वो मुझसे दूर जाकर बरसों बाद मुस्कुराएगी। चल तू खुश रह, मेरी तो देखी जाएगी। कि वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी। वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी। मेरी हिचकियों से लगता है वो मुझे याद कर रही होगी। ऐ खुदा मेरी कमियों से महसूस ना होने देना। उसकी मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरी मोहब्बत। अगर ये बात सच है कि लाइफ में एक बार लव होता है, तो ये बात भी सच है कि जिससे होता है वो कभी मिलता नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अच्छी लग रही हो। एक शेर कहो ना मेरे लिए। ये जो तुम लग रही हो इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। बेबी गोवा घुमा लाओ ना। गोवा मैंने कभी नहीं देखा, गोवा घुमा लाओ ना। कहाँ? गोवा। चलो कपड़े ले लूं? ऐसे ही चलो। गो आ जब भी गोवा जाना हो मुझे बता देना, घुमा लाऊंगा। गोवा जाएगी। दोस्तों मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि मेरे भी एक 7-8 बच्चे हों और सबकी माँ अलग अलग हो। आयोग माँ मैं सुरक्षा बल। पागल है क्या? बेबी आपको फोन चाहिए। थैंक यू। बेबी बेबी मेरे को ना पैसे भी चाहिए। थैंक यू बेबी। बेबी मेरे को ना घड़ी भी चाहिए। ये लो। थैंक यू। बेबी मेरे को ना एक बच्चा भी चाहिए। भाई तुम नेपाली हो ना? नहीं भाई इंडियन हूँ। नहीं नहीं नेपाली हो? अरे भाई इंडियन हूँ। नहीं नहीं नेपाली हो ना? अबे इंडियन हूँ। नहीं नहीं नेपाली हो? हाँ नेपाली हो, पर लगते तो इंडियन हो। चाय सा इश्क किया है तुमसे, सुबह शाम ना मिले ना तो सर दर्द रहता है। हमको मिली है आज ये। बेबी आप कितने कूल हो और मैं तो हॉट हूँ ही। हाँ बच्चे गुनगुने पैदा कर लेना। बेबी अगर तुम्हें मौका मिला तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेबी अगर मुझे मौका ही मिल गया तो शादी की क्या जरूरत।